नमस्कार दोस्तों, कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल गीता ज्ञान में। आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों का 26 नवंबर दिन शुक्रवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीज़ों से सावधान रहना होगा और कन्या राशि वालों को आने वाले समय में वे कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कन्या राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में आय का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी कन्या राशि है तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, आज शुक्रवार है, माँ लक्ष्मी जी का दिन है। कमेंट में दोस्तों जय लक्ष्मी माँ लिखें, लक्ष्मी माँ आपकी मनोकामना पूरी करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के पंचांग की। 26 नवंबर 2021 दिन शुक्रवार, आज की तिथि है सप्तमी। आज का नक्षत्र है आश्लेषा नक्षत्र। पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। आज सूर्य उदय होगा सुबह 6:52 पर और सूर्य अस्त होगा शाम 5:24 पर। दोस्तों, आज का शुभ समय सुबह 11:47 से दोपहर 12:29 तक रहेगा। अगर दोस्तों आज आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो आप इसी समय करें, आपके लिए शुभ रहेगा। साथ ही आपको बताएं आज का अशुभ समय है सुबह 8:58 से सुबह 9:40 तक रहेगा। दोस्तों, आज आपका लकी नंबर है 6 और शुभ रंग है स्लेटी, ग्रे और नारंगी। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं कि भावी पत्नी में देखें ये 5 गुण तो रहेगा जीवन सुख में। आइए जानते हैं। भारतीय महान दार्शनिक चाणक्य ने सुखी और वैवाहिक जीवन जीने के लिए कुछ नीतियां बताई हैं। उनके अनुसार भावी पत्नी में व्यक्ति को निम्न 5 गुण देखने चाहिए जो सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं। आइए जानते हैं। नंबर 1, स्त्री के आंतरिक सौंदर्य को दे महत्व। आचार्य चाणक्य की नीति के अनुसार भावी पत्नी के रूप से ज्यादा आंतरिक सौंदर्य को देखना चाहिए, क्योंकि रूप डल जाता है और आंतरिक सौंदर्य यानी उसके गुण हमेशा विद्यमान रहते हैं। इन गुणों के कारण व्यक्ति की गृह स्थिति सुख में चलती है। केवल रूप के मोह में विवाह करने जैसा निर्णय लेना बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं माना जाएगा, इसके बाद में पछतावा भी हो सकता है। नंबर 2, विवाह में स्त्री की सहमति अनिवार्य। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि विवाह का आधार हमेशा आपसी सहमति होना चाहिए। विवाह उसी स्त्री से करना चाहिए जो आपको पसंद करे और अपनी इच्छा से आपसे विवाह करने के लिए इच्छुक हो। किसी दबाव या बस में आकर वह आपसे विवाह नहीं करना चाहती हो, इसके अलावा आपको भविष्य में वैवाहिक जीवन में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं और हो सकता है कि आपका विवाह सफल ही ना हो। नंबर 3, प्रेमी स्त्री सुख देती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो स्त्री आपको प्रेम करती है उससे ही विवाह करना चाहिए। वास्तव में प्रेम ही विवाह की सफलता का प्रमुख कारक है। जो स्त्री आपसे प्रेम करती है वह आपकी परवाह करेगी, वह कभी आपको उदास नहीं देखना चाहेगी। उसका यही प्रेम आपके जीवन में सुख की बारिश कर देगा। चाहे कितने भी झगड़े हों वह आपको मना लेगी। आपका वैवाहिक जीवन खुशियों से भर जाएगा। नंबर 4, धार्मिक प्रवृत्ति की स्त्री चुने। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धार्मिक प्रवृत्ति की स्त्री में अच्छे संस्कार होते हैं, वह धर्म कर्म पर आस्था रखती है। उसकी आस्था के कारण वो अच्छे रास्तों पर चलेगी, पति को भी श्रेष्ठ रास्ते पर चलने को प्रेरित करेगी। साथ ही स्त्रियां परिवार की गर्दन मानी जाती हैं, उसकी दिशा पर ही परिवार आगे विकसित होता है। हमेशा धर्म कर्म पर विश्वास करने वाली स्त्री से ही विवाह करना चाहिए। नंबर 5, आप में स्त्री पिता खोजें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि स्त्रियां हमेशा अपने पति में पिता की छवि देखती हैं, इसलिए ऐसे पिता की पुत्री को खोजने का प्रयास करें जिनके पिता से आपकी छवि मिलती हो। अगर ऐसे जोड़े बनते हैं तो सुखमय जीवन जीते हैं। दोस्तों, आपको चाणक्य नीति ज्ञान से कुछ अच्छा सीखने को मिला हो तो एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के राशिफल के बारे में, आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, आज आप खुद को सुकून में और जिंदगी का लुप्त लाभ उठाने के लिए सही मनोदशा में पाएंगे। लंबे समय से आपके अटके मुआवजे और कर्ज आदि आखिरकार आपको मिल जाएंगे। ऐसा कोई जिसके साथ आप रहते हैं आज आपके किसी काम की वजह से बहुत झुंझलाहट महसूस करेगा। सच्चे और पवित्र प्रेम का अनुभव करें। आज किए गए निवेश काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं, लेकिन आपको भागीदारों से विरोध का सामना करना पड़ सकता है। अपने जबरदस्त आत्मविश्वास का आपको फायदा उठाना चाहिए। बाहर निकलें और कुछ नए संपर्क व दोस्त बनाएं। मुमकिन है कि आपके माता पिता आपके जीवन साथी को कुछ शानदार आशीर्वाद दें जिसके चलते
आपके वैवाहिक जीवन में और भी निखार आएगा। साथ ही साथ आपको बताएं, आज मन दुविधा युक्त रहेगा, बोलने पर संयम रखें। किसी के साथ वाद विवाद या झगड़े में पड़ने से आपका मामला खराब हो सकता है। पारिवारिक चिंता बनी रहेगी, दुष्ट जनों से सतर्क रहें। समय अनुकूल है, नई शुरू की गई परियोजनाएं उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं देंगे। चालकारी भरी आर्थिक योजनाओं में फंसने से बचें, निवेश करने में काफी सावधानी बरतें। मार्केटिंग और मीडिया फील्ड के जातक अपने टारगेट को कठिन परिश्रम के बाद प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको बताएं, आज का दिन विशेष तौर पर महिलाओं के लिए बहुत ही अनुकूल है। कलात्मक कार्यों में आज आपकी रुचि बढ़ेगी। काम के सिलसिले में आपके अधिक प्रयास करने से ही आपको सफलता मिलेगी। आपका बिजनेस अच्छे मुनाफे में रहेगा। उच्च अध्ययन के लिए आपको घर से बाहर भी जाना पड़ सकता है। घर का वातावरण अच्छा रहेगा, किसी से मतभेद हो सकते हैं। आज का ज्यादा समय आपका पुण्य कार्य पर व्यतीत होगा। साथ ही साथ आपको बताएं, आज आपको अचानक इस राशि में धन लाभ भी हो सकता है। दो तरह का इनकम के मौके भी मिल सकते हैं। आपके सामाजिक जीवन में अलगाव की संभावना स्थित है। आप सामाजिक गतिविधियों पर भौतिक जीवन से जुड़ी चीजों पर कम रुचि लेंगे। लव लाइफ में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, अपनी भावना पर कंट्रोल करने की कोशिश करें। परिवार और खुद की सेहत को लेकर लापरवाही ना करें। संतान को लेकर टेंशन बनी रहेगी। साथ ही कामकाज पूरे करने में दोस्तों और भाइयों की मदद मिल सकती है। नौकरी पेशा लोगों को एक्स्ट्रा इनकम होने के योग बन रहे हैं। आपके कामकाज से अधिकारी खुश रहेंगे। यात्रा के योग बन रहे हैं। निवेश और लेन देन में आपको सावधान रहना होगा। बिजनेस करने वाले लोग कामकाज में नयापन लाने की कोशिश करेंगे या अपनी प्लानिंग में भी बदलाव कर सकते हैं। साथ ही आपको बताएं, जो अविवाहित और योग पात्र हैं, उनके विवाह संबंधी चर्चा उनके घर पर शुरू की जा सकती है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत मनमुटाव संभव है, लेकिन आपको अपने प्रिय से कोई उपहार प्राप्त होने की भी संभावना है। घर से दूर रहने वाले लोगों को आज उनके रिश्तेदारों से आपको मिलना संभव है। साथ ही आपको बताएं, आय में वृद्धि होगी। कार्यालय में आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे खुश होंगे। व्यापार बढ़ेगा। कोई नई जिम्मेदारी लेने से आप इनकार ना करें। काम की परिस्थितियों आपके पक्ष में रहेंगी। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। नई परियोजनाओं में पूंजी निवेश किया जा सकता है। साथ ही साथ आपको बताएं, इस समय ग्रह स्थिति भाग्य को प्रबल कर रही है। अगर किसी महत्वपूर्ण कार्य पर पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो तुरंत निर्णय लें और वह काम आज आप पूरा कर सकते हैं। घर में भी किसी सजावट संबंधी किसी बदलाव पर योजना बन सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। किसी नजदीकी रिश्तेदार की वजह से मन मुटाव होने की आकांक्षा है, जिसका प्रभाव घर परिवार पर भी पड़ सकता है। कभी कभी सभी को खुश रखने के प्रयास में आप अपने लिए परेशानियां उत्पन्न कर लेते हैं। किसी भी काम में वरिष्ठ लोगों की सलाह अवश्य लें। साथ ही वैवाहिक संबंधों में मधुरता रहेगी। प्रेम संबंधों में विवाह में परिवर्तन होने संबंधी भूमिका बन रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके करियर की। तो दोस्तों, वर्तमान में चल रहे व्यवसायिक कामों में के साथ साथ कुछ नए कामों में आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। कला और मीडिया क्षेत्र से जुड़े बिजनेस में अप्रत्याशित लाभ होने की भी उम्मीद है। दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। तो दोस्तों, आज आपके प्रेम जीवन में किसी तरह की यात्रा और शॉपिंग को लेकर कानासुनी हो सकती है। ऐसे में आपको अपने मधुर संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो हालात बिगड़ सकते हैं। लेकिन आपके प्रयास से स्थितियां अनुकूल हो सकती हैं और आप अपने रिश्ते को नई रचनात्मकता देंगे और अपने रिश्ते को मजबूत बनाएंगे। इस दौरान आप एक दूसरे के प्रति आकर्षण भी महसूस करेंगे, लेकिन याद रखें, मर्यादित आचरण रखना ही सही साबित होगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको अपने प्रियतम को यह भी महसूस कराना होगा कि वास्तव में यह रिश्ता आपके लिए काफी महत्व रखता है। आपका प्रियतम ही आपका सब कुछ है। तो दोस्तों, आज का दिन आपके प्रेम के लिए बहुत ही अच्छा दिन रहने वाला है। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके हेल्थ की। तो दोस्तों, घर में आपके ग्रह के चलते आपको घर से कोई परेशानी हो सकती है, इसलिए आप एक निश्चित व अच्छी प्रतिक्रिया का पालन करें। इसके लिए आप अपने खान पान का ध्यान रखें और रोजाना योग व्यायाम करते रहें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके।